हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हिसार में थे और उसका एक वीडियो सामने आया, काफ़ी दिलचस्प वीडियो है, जिसमें फरसा लेकर हाथ में वो अपने एक कार्यकर्ता से गुस्से में कह रहे हैं कि मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। अब उस वीडियो पर वायरल होने के बाद सीएम साहब की सफाई आई है और वजह बताई है क्यों उन्होंने उस कार्यकर्ता को ये कहा था। हम वो सफाई आपको बताएंगे, पहले वो वीडियो देखिए जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा। धन्यवाद धन्यवाद। दुश्मनों का नाश करने के लिए धन्यवाद। दुश्मनों का नाश करने के लिए तो आपने देखा कि किस तरह से वो कार्यकर्ता उन्हें बिना बताए मुकुट पहनाने की कोशिश कर रहा था। इस पर खट्टर साहब का कहना है कि दरअसल 5 साल पहले हरियाणा में ये मुकुट पहनाने की प्रथा हमने खत्म कर दी थी। सोने और चांदी के मुकुट पहनाए जाते हैं नेताओं को, ये प्रथा हमने बहुत पहले रोक लगा दी और उसके बावजूद अगर कोई बिना हमसे इजाज़त लिए, बिना हमारी जानकारी के, बिना हमारी मंजूरी के ऐसा करता है तो ये गुस्सा आना स्वाभाविक है। ये अलग बात है कि उसी वक्त उन्होंने गुस्से में कुछ बोल दिया और उनके हाथ में किसी ने फरसा दिया था गिफ्ट में और उसी वक्त उन्होंने उसको ऐसे बोला। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेसी कल्चर हम अपनी पार्टी में नहीं आने देंगे और एक कांग्रेसी नेता नहीं, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया था ये वीडियो, कहा था कि गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है, अहंकार है, गुस्सा है। तो खट्टर साहब ने कहा कि कैसे एक कांग्रेस नेता ने ये ट्वीट किया है ये वीडियो और ये वीडियो ही उनके गले का हार बनेगा। शायद वो अपनी आगामी जीत की भविष्यवाणी अभी से कर रहे हैं। बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।